सिनेमास्कोप रेकमेंड्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील। दोस्तों, आज जिस फिल्म को हम आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं वो है अमेज़न प्राइम पर जारी हुई मलयालम फिल्म होम। फिल्म के लेखक निर्देशक हैं रोजिन थॉमस और फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई है वेटरन एक्टर इंद्रंस ने। साथ में है श्रीनाथ भासी, मंजू पिल्ले, विजय बाबू, अनूप मेनोन और केपीएस ललिता। कहानी एक घर की है। उस घर में रह रहे एक प्यारे से परिवार की है। दरअसल घर एक ऐसी जगह होती है जहां हमें मुखौटे नहीं लगाने पड़ते, जहां हम खुलकर हंस सकते हैं, रो सकते हैं, नाच सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ इस घर में रहते हैं उनसे हम चाहे भी तो अपने आप को छुपा नहीं सकते। हमारा परिवार हमें शायद हमसे बेहतर जानता है और समझता है। इंसान जब सवालों से घिर जाता है या फिर जब दुनिया की दौड़ में उसका आत्मविश्वास डोलने लगता है या फिर दिखाओं की इस दुनिया में जीते हुए ऊब महसूस करने लगता है, तब उसे याद आती है एक ऐसी जगह जहां उसके हर दुख समस्या का निवारण मौजूद है। जी हाँ, वो है घर, यानी होम। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है आप सबके लिए। इनफैक्ट आपको ये फिल्म अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए। इंद्रंस एक सरल सीधे पापा की भूमिका में आपका दिल जीत लेंगे। रोजिन थॉमस ने न सिर्फ एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है बल्कि अपने हर किरदार के लिए बेस्ट कलाकारों को चुनकर अपनी ही स्क्रिप्ट को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म में तब्दील भी किया है। फिल्म में सभी कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और फिल्म का क्लाइमैक्स आपको भाव विभोर कर देगा। तकनीकी रूप से भी फिल्म हर मोर्चे पर चुस्त दुरुस्त है। फिल्म का संगीत भी फिल्म को और बेहतर ही बनाता है। फिल्म के संगीत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म के गीतकार अरुण आलाट। उनसे बात कर रहे हैं हमारे अपने सजीव सारथी। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक। सुनते रहिए दोस्तों रेडियो प्लेबैक इंडिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। और जैसे कि हमारे प्रिय साथी सुशील ने आपको बताया और रिकमेंड की फिल्म होम, जो कि एक मलयालम फिल्म है, और ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म का संगीत। फिल्म में दो बहुत ही प्यारे गीत हैं जिन्हें लिखा है हमारे आज के मेहमान अरुण आलाट ने। तो हम कुछ बातें अरुण के साथ करते हैं ताकि आपको फिल्म के गीत संगीत के बारे में भी हल्का सा आइडिया लग जाए। तो अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिनेमास्कोप रिकमेंड्स में। हेलो सर, थैंक यू सो मच। अरुण, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप बहुत ही अलग अलग तरह के काम करते हैं। कई फिल्मों में अपने गाने लिखे हैं, गाए हैं, आपने कुछ गाने कंपोज भी किए हैं, तो आप हर तरह का काम करते हैं। फिल्म होम से आपका जुड़ना कैसे हुआ और ये जो एक फिल्म का जो मेन सॉन्ग है, जो इसको कह सकते हैं कि फिल्म की सिग्नेचर ट्यून है, उसके ऊपर वो गाना बना हुआ है और ये बहुत बार फिल्म के अंदर चलता है और बहुत ही अलग तरह की एक फील देता है, आप मुझे बताइए कि इस गाने का ब्रीफ आपके पास क्या था और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस खूबसूरत फिल्म में इस गीत को लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन ऑन हैशटैग होम। In fact, I am very excited being a part of this movie in many ways. I have written two and sang another one. So it's overwhelming to see the response that we are getting for the movie. Coming to the lyrics writing part, actually, I didn't know anything about the story or characters in detail. Rojin wanted me to watch the movie with a fresh mind when it's done. So for writing the lyrics, he just narrated the situation and the emotions of the character Oliver Twist, and one song for Anthony also. So it was quite exciting writing the songs, not knowing the complete story. But somehow altogether, the songs came out really well. The music is done by Rahul Subramanian, and he has done an excellent job. I'm very happy for all of us.
जी अरुण, तो ये बताइए कि इस फिल्म को इतना अच्छा जब रिस्पांस मिलने लग गया है और हर तरफ से लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस हर तरफ से आ रहे हैं, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? और ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इस फिल्म में जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसको लेकर आपको अब तक का सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? यस ट्रू, बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट आर्ट वर्क इज ऑलवेज अ प्रिविलेज एंड आई हैव द सेम फीलिंग फॉर हैशटैग होम टू, बट मोर देन दैट I have a special feeling for this movie and the team because it's a success of a group of passionate people trying to make good films. So that's the main thing. And the best compliment I got from, I should say that's from the team itself. The team having said okay for my lyrics, for the situation itself, is an award for me. And I'm very happy that everyone liked it. Those who haven't watched it yet, Watch it on Amazon Prime. Don't miss this. Okay, Arun, तो इस बातचीत को समापन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने उस गीत को जो आपने गाया है उसकी दो लाइनें आप हमारे लिए सुनाएं, प्लीज। I'll sing a few lines from Mukilu Thodanai. Mukilu Thodanai manasu kodichu chiragu yerade nilpu nyanum പഴയൊരു കാലം അകലി വിമുഖം കഥയറിയാതെ നീറും നീരം അരികെ അരികെ വിരിയും സ്നേഹപ്പൂവും നിൻ ഇതളൂർനിടും പോലെ തോന്നുന്നു മനസേ മനസേ പറയുമായുന്നു ദൂരേ ഈ ജന്മബന്ധങ്ങൾ തന്നാമ്പുകൾ. താങ്ക് യു. ദോസ്തോ, ഹോം ആമസോൺ പ്രൈം പർ ഉപലബ്ധ ഹൈ. ഹമാരി സലാഹ് തോ യഹി ഹൈ കി ആപ് ഇസ് ഫിലിം കോ ബിൽക്കുൽ ഭി മിസ് ന കരേ. तो प्लान कीजिए इस वीकेंड होम के दर्शन करने का. और इसी के साथ आज के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी सुशील को दीजिए इजाजत. जल्द ही मिलूंगा आपसे सिनेमास्कोप के एक नए एपिसोड के साथ. नमस्कार. Yeah.